हेलो गाइस, मैं हूं तस्खीर, मैं हूं अनस, मैं हूं नोमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में SSW कमांडोज ऑफ पाकिस्तान स्पेशल सर्विस विंग ऑफ PAF एयरफोर्स वालों का कुछ है, ये मतलब कुछ पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि क्या ये कमांडोज कौन से कमांडोज हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, SSW यानी कि स्पेशल सर्विस विंग पाकिस्तान एयर फोर्स की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। SSW एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन के ऑल एस्पेक्ट्स में माहिर है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सपोर्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड रोटरी विंग, क्लोज सपोर्ट, कमांड कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और हर किस्म के माहौल में दुश्मन से निपटने के लिए माहिर है। SSW का ढांचा बिल्कुल अमेरिका की एयर कॉम्बैट कंट्रोल टीम की तरह है, जो कि स्पेशल टैक्टिस ऑपरेटर्स के तौर पर जाने जाते हैं। SSW के कमांडोज अक्सर इंडिविजुअली या एज अ टीम SSG, आर्मी रेंजर्स, नेवी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और पाकिस्तान मैरीन्स की स्पेशल टैक्टिस यूनिट्स को एक्सपर्ट एयरफील्ड सीजर, एयर स्ट्राइक कंट्रोल और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए असाइन किए जाते हैं। SSW की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया के साथ 1965 की जंग के बाद एयर कमोडोर मुख्तार अहमद डोगर, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बॉम्बर पायलट थे, जो कि सितारे जुर्रत भी हैं और जिन्होंने 1965 की वार, 1947 की वार और वर्ल्ड वार टू भी लड़ी है, और ये एरियल वारफेयर स्पेशलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान मिलिट्री के सबसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने सितारे जुर्रत का एजाज़ हासिल किया। इन्होंने 1966 में पाकिस्तान एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट, जिसे स्पेशल एयर वारफेयर विंग्स का नाम दिया जाता है, इस यूनिट को खड़ा करने में इनका अहम किरदार था। इस यूनिट के पहले कमांडर स्क्वाड्रन लीडर अल्ताफ हुसैन भट्ट थे, जो कि इस यूनिट के CO थे। दोस्तों, 1971 में PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की रिक्वेस्ट पर स्पेशल एयर वारफेयर विंग यूनिट के मेंबर्स PIA को दिए गए, ताकि वो एज अ स्काई मार्शल तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की प्रोटेक्शन सर्विसेज दे सकें। दोस्तों, स्काई मार्शल को एयर मार्शल, फ्लाइट मार्शल या इन फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि हर फ्लाइट में सिविलियन लिबास में मौजूद होता है, ताकि जहाज़ की हाईजैकिंग को काउंटर किया जा सके। SAW यानी कि स्पेशल एयर वारफेयर विंग की तरफ से एज अ स्काई मार्शल ये सर्विसेज 1973 तक दी जाती रहीं। फिर इस यूनिट का रोल ऑफेंसिव से डिफेंसिव में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि इसके बाद 1976 में फ्लाइट के लिए स्काई मार्शल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस से लिए जाने लगे। दोस्तों, 1999 में इंडिया के साथ कारगिल वार के बाद एयरफोर्स के लिए स्पेशल फोर्स विंग का कंसेप्ट दोबारा रिवाइव किया गया। पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेज के मिलिट्री साइंटिस्ट और कुछ सीनियर ऑफिशल्स अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के अफगानिस्तान वार के इनिशियल फेज से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, कि जैसे उन्होंने तेज़ी से टारगेट सिक्योर किए थे, रनवे सेटअप्स किए थे, फौरी यूज़ के लिए एयर स्ट्रिप्स बनाई थी और दुश्मन की पोजीशन पर डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एयर स्ट्राइक्स की थी। तो फैसला किया गया कि एयरफोर्स के लिए एक डिवीजन बनाई जाए, जिसका नाम रखा गया स्पेशल सर्विस विंग, यानी कि SSW। SSW की ट्रेनिंग नए असूलों के तहत SSG के अंडर रखी गई और इसकी डॉक्ट्रीन और स्पेशलाइजेशन अमेरिका की तर्ज पर रखी गई। 2001 से अमेरिका और पाकिस्तान के माबीन क्लोज कोऑपरेशन शुरू हो गया था। SSW के सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पर अमेरिका ट्रेनिंग लेने भेजा जाने लगा। खास तौर पर हालो और हाहो की टेक्निक भी इसमें शामिल है। दोस्तों, हम इस टेक्निक पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। SSW के सोल्जर्स की सारी ट्रेनिंग्स मुकम्मल होने के बाद इसकी पहली यूनिट 2004 में ऑपरेशनल हुई थी और इसके ज़्यादातर मेंबर्स अमेरिका की फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशंस विंग से ग्रेजुएट हुए थे। दोस्तों, अगर अब की ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो SSW की तमाम मेंबर्स की इनिशियल ट्रेनिंग आर्मी स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट से होती है, लेकिन इससे पहले इन्हें 6 से 8 हफ्तों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कॉम्बैट स्कूल कलर कहार से बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 40 मील की मार्च जो कि 20 केजी वज़न के साथ करनी है, 5 मील की दौड़ जो कि 35 मिनट्स में फुल गियर के साथ जो कि 60 से 80 पाउंड तक के होते हैं करनी होती है। इस ट्रेनिंग में जो सोल्जर कमज़ोर नज़र आता है उसे निकाल दिया जाता है और जो इस बेसिक ट्रेनिंग में सर्वाइव कर पाता है उसे 9 से 12 महीने के लिए आर्मी स्पेशल ऑपरेशन स्कूल इनिशियल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है।
अगर एडवांस ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें एंटी टेररिस्ट एंड हॉस्टेज रेस्क्यू, माइनर ऑप्स, बेसिक डेजर्ट, माउंटेन, वाटर, स्नो सर्वाइविंग ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, फायरिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स, इंटेलिजेंस, स्टैटिक द इक्विपमेंट जंप और डाइविंग वगैरह शामिल होती हैं। फिर इन्हीं SSW के सोल्जर्स में से कुछ एडिशनल स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, जिनमें हाहू और हालू कोर्स है जो कि रिसालपुर में करवाया जाता है, और 30 फ्री फॉल जंप के बाद स्काई डाइवर टैब से नवाजा जाता है। इसके अलावा माउंटेन वारफेयर का कोर्स करवाया जाता है और कॉम्बैट डाइवर का कोर्स करवाया जाता है, जो कि SSG नेवी या तो कराची में या फिर SSG आर्मी मंगला में करवाती है। और इसके अलावा कुछ सोल्जर्स को एडवांस ट्रेनिंग के कोर्सेज के लिए अमेरिका भेजा जाता है, जहां अमेरिका की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ग्रुप और 75 रेंजर रेजिमेंट इन्हें ट्रेनिंग देती है। तहम डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से इस किस्म के तआवुन बंद करने का ऐलान किया था और अब ये कहा जाता है कि इसी किस्म की ट्रेनिंग अब रूस से ली जाएगी। तहम इस बारे में कुछ कन्फर्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, SSW की अगर कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके मेंबर्स अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल रिकॉनिसेंस, डायरेक्ट एक्शन बाय सबोटाज एंड ऑफेंसिव रेडिंग, काउंटर टेररिज्म, VIP प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, सिक्योरिटी असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे मिशंस भी सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा इन्हें डेंजरस इन्वायरमेंट में एज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा एयर स्ट्रिप को टेक ओवर करना हो या कंस्ट्रक्ट करना हो, ये दोनों काम भी कर सकते हैं, और नेविगेशनल इक्विपमेंट को सेटअप करना भी इनके काम में शामिल है। इसके अलावा टावर और एलेबोरेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किए बगैर हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन की सेफ लैंडिंग करवाना या डायरेक्ट करना भी इनके काम में शामिल है। फिजा से गिरे पायलट्स को सर्च और रेस्क्यू करना भी इनके काम में शामिल है। SSW के कुछ मेंबर्स के अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो मीटरियोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर SSW की ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसकी 5 स्क्वाड्रन हैं और एक अलग सेपरेट फ्लाइट विंग है। हर स्क्वाड्रन 250 से 400 सोल्जर्स पर मुश्तमिल है। SSW की पहली स्क्वाड्रन का नाम PAF फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन है, जिसे फर्स्ट SOS कहते हैं। ये स्क्वाड्रन PAF की सबसे एग्रेसर स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन के मेंबर प्रोफेशन के लिहाज से तो फाइटर पायलट्स हैं, लेकिन ये SSG कमांडोज की तरह ट्रेंड हैं। इस स्क्वाड्रन ने वेस्ट पाकिस्तान वार में भी हिस्सा लिया और ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म में भी हिस्सा लिया। दूसरी स्क्वाड्रन सेकंड SOS है। ये स्क्वाड्रन ISI के साथ मिलकर ऑपरेशंस में हिस्सा लेती है, जबकि तीसरी स्क्वाड्रन PAF थर्ड स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन है। ये एंटी टेररिस्ट और हॉस्टेज रेस्क्यू स्क्वाड्रन है। ये स्क्वाड्रन फौरी तौर पर हॉस्टेज और हाई वैल्यू मिलिट्री पर्सनल्स को वार जोन क्राइसिस से इवैक्यूएट करने के लिए डिजाइन की गई है। फोर्थ स्क्वाड्रन VIP प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टेट लीडर और दूसरे VIP पर्सनल फ्लाइट्स शामिल हैं। पांचवी स्क्वाड्रन PAF नंबर 5th पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन के मेंबर्स पैराट्रूपर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि पाक आर्मी की 50 आर्मी डिवीजन की तरफ से लीड किए गए ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। SSW की छठी स्क्वाड्रन का नाम PAF नंबर 10th स्पेशल रिकॉनिसेंस फ्लाइट स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन का टास्क दुश्मन के एरिए में UAV के जरिए रिकॉनिसेंस फ्लाइट लेना है। यह स्क्वाड्रन ISI के साथ मिलकर काम करती है और ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन ब्लैक थंडरस्टॉर्म और नॉर्थ वेस्ट वार में भी हिस्सा ले चुकी है और कई रिकॉनिसेंस फ्लाइट्स और हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेटेड कर चुकी है। SSW कमांडोज की अगर वेपन्स की बात की जाए तो इनके वेपन्स में SIG P226 और ग्लॉक पिस्टल्स हैं, FNP90 और MP5 सब मशीन गन्स हैं, F2000 और स्टायर AUG राइफल्स हैं। स्नाइपर रोल के लिए PSR-90 पाकिस्तान मेड और एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वारफेयर हैं। इसके अलावा FN मिनीमी और MG3 मशीन गन और इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और UAV शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी SSW जो कि कई सालों से अपनी खिदमात दे रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी पूरी नॉलेज अबाउट SSW कमांडोज ऑफ पाकिस्तान, जो कि PAF से मतलब PAF से नाम जुड़ा हुआ है इनका, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नॉलेज मिली हम लोगों को कि यार इसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है। अमेजिंग था सब कुछ जानना, सब कुछ मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस, सब फील्ड, सब तरह के जो कमांडोज होते हैं, सब तरह की जो फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, जो भी होती हैं ग्राउंड लेवल की हो, चाहे PAF हो,
तो सबके साथ मिलकर काम करते हैं, सबकी ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई होती है और अमेरिकन बेस्ड ट्रेनिंग भी हो रखी है इनकी, तो ये बहुत अमेजिंग है। मतलब इसके बारे में मुझे पता नहीं था, एसएसजी कमांडोज को मैं सबसे टफ और वो मानता था, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि इनका हर लेवल का काम है, हर लेवल पर काम करते हैं ये। अमेजिंग था यार ये जानना कि यार ऊपर से हवाई ट्रेनिंग भी है इनकी, ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग भी है, 5-6 से 8 हफ्ते की अलग बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें से चुने जाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और अलग अलग तरह के इन पे हथियार वगैरह होते हैं और इनके काम बहुत सही बताए इन्होंने, जैसा कि बताया कि कोई मतलब देश का, कंट्री का जो भी है, कोई पकड़ जाता है किसी को, आतंकवादियों ने या फिर टेररिस्ट ने वगैरह ने पकड़ लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए फोर्सेस बनाई गई हैं, एक टुकड़ी अलग बनाई गई है, अलग अलग स्क्वाड्रन बनी हुई है इसमें। जैसा इन्होंने बताया कि 5-6 तरह की कैटेगरी हैं, सब जगह अलग अलग फील्ड में काम करते हैं और सब जगह मिले खुले मिले रहते हैं, प्लेन्स में जाते हैं, ऐसी ऐसी प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ सिविल ड्रेस में हम लोगों की तरह कपड़े पहनकर जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, तो बहुत सही काम है, हमेशा काम पर लगे रहते हैं। एंड अमेजिंग था ये चीज़ जानना, नॉलेज लेना इस बारे में, तो इस बारे में भी पता चला कि ये एक और सर्विस है पाकिस्तान के पास, SSW। सही था। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा ये हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।